हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिल्केश मैडम, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीबीएमएस में कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। इंट्रोडक्शन। तो अभी क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशन में किसी एप्लीकेशंस में या जहाँ पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट हो रहे हो या तो वो पैरेलली हुए या कॉन्करेंटली हो रहे हो एग्जीक्यूट, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अगर कोई कॉन्करेंसी कंट्रोल नहीं है, अगर उसमें कॉन्करेंसी कंट्रोल नहीं है तो वो डेटाबेस को क्या हो जाता है, इनकन्सिस्टेंट स्टेट में ले जाता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। पहले अभी हम देखेंगे कि कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग साइमल्टेनियस ऑपरेशंस डेटाबेस विदाउट हैविंग देम इंटरफेयर विद वन अनदर। तो एक दूसरे को इंटरफेयर किए बिना, मतलब वो कॉन्करेंटली या पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इट एनहांसेस सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो वो क्या करता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन को एनहांस करता है। थर्ड, इट एंश्योर्स द डेटाबेस ट्रांजेक्शंस आर परफॉर्म कॉन्करेंटली। तो वो क्या इंश्योर करता है कि डेटाबेस कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हो, एक्यूरेटली, साथ में एक्यूरेटली भी हो रहे हो, जिस वजह से क्या हो जाता है, हमको करेक्ट रिजल्ट्स मिल जाते हैं विदाउट वायलेटिंग द डेटा इंटीग्रिटी, डेटा की इंटीग्रिटी वायलेट किए बिना, और विद इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेटाबेस। इट डील्स विद द इंटरल्यूड एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पर इंटरल्यूड एग्जीक्यूशन भी एग्जीक्यूट करता है। तो अभी हमने देखा कि डेटाबेस को वो इनकन्सिस्टेंट स्टेट में ले जाता है अगर कॉन्करेंसी कंट्रोल ना हो तो उस वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो यहाँ पर हमारे पास तीन प्रॉब्लम्स है कॉन्करेंसी कंट्रोल के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला देखते हैं, द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। लॉस्ट अपडेट क्या है देखते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सपोज़ T1 एंड T2। तो T2 में क्या हो रहा है, देखिए, T2 ट्रांजेक्शन राइट्स अ सेकेंड वैल्यू ऑफ डेटा आइटम ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट वैल्यू रिटर्न बाय T1। तो T1 एक पहले वैल्यू लिख चुका है, उसके बाद T2 लिख रहा है वैल्यू कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स। द फर्स्ट वैल्यू इज लॉस्ट टू द अदर ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट वैल्यू जो हो रही है, जो T1 ने लिखी, वो लॉस्ट हो रही है। Running concurrently which is needed by their precedence to read the first value. The transaction that have read the wrong value end in the incorrect results. तो अगर wrong value read हो रही है तो incorrect results में वो lead करता है। Example, मतलब जैसे कि T1 transaction will do some changes in one variable. तो T1 क्या करता है, किसी एक variable में changes करता है। Another transaction T2 will cancel the update. जो T1 ने लिखा है वो अपडेट को कैंसिल कर रहा है T2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, T2 अपडेट विल बी नलीफाइड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ T2। तो T1 का अपडेट क्या कर रहा है, वो नलीफाई कर रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ T2 से। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस में A की वैल्यू 100 है दो ट्रांजेक्शन से, T1 और T2। तो यहाँ पर T1 पहले बिगिन हो रहा है, तो T1 से शुरू कर रहे हैं बिगिन ट्रांजेक्शन। क्या कर रहा है, वो रीड कर रहा है वैल्यू A की। तो ये मैंने रेड में लिखा है, वो उसकी वैल्यू लिखी है। तो रीड क्या कर रहा है, वो वैल्यू 100, A=100, क्योंकि डेटाबेस में हमारे पास 100 है। उसके बाद वो कर रहा है A=A+10। तो उससे क्या हो जाती है वैल्यू A की, 100+10, मतलब 110। उसके बाद T2 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो T2 क्या कर रहा है, उस वैल्यू को अपडेट कर रहा है, A=A+20 कर रहा है। तो सेम वैल्यू को वो अपडेट कर रहा है, इस वजह से इसका नाम है द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। जो T1 ने लिखी थी वो T2 दोबारा से वो अपडेट कर रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो लास्ट में वो इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट देता है। दूसरा वाला प्रॉब्लम है द डर्टी रीड प्रॉब्लम। सबसे फेमस प्रॉब्लम द डर्टी रीड प्रॉब्लम, और इम्पॉर्टेंट भी। ये क्या है डर्टी रीड देखते हैं। The transaction read a value written by a transaction that has been later aborted. तो कौन सा transaction, ऐसा transaction read करता है, suppose दो transaction है T1 और T2, तो कोई transaction उसमें से एक value read कर रहा है और दूसरा जो transaction है वो abort कर रहा है। तो इससे क्या हो जाता है, this the value disappears from the database upon abort.
should not have been read by any transaction. That is dirty read. इसे हम dirty read कहते हैं. वो value read नहीं होनी चाहिए थी, वो dirty read हो गई. The reading transaction end in an incorrect results. तो उसे क्या हो रहा है, incorrect results में वो lead कर रहा है. तो example के help से हम देखते हैं कैसा dirty read है. तो यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस में वैल्यू कितनी है, एक ही 100. यह दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2. तो पहले T2 बिगिन हो रहा है, बिगिन ट्रांजेक्शन T2, रीड ए. तो रीड ए क्या कर रहा है, रेड में मैंने लिखा है, रीड क्या कर रहा है वो वैल्यू ए इक्वल्स टू 100. तो 100 हमारे पास डेटाबेस में थी तो वो रीड कर रहा है. उसके बाद क्या कर रहा है, ए इक्वल्स टू ए प्लस 100, मतलब 100 प्लस 100, मतलब क्या हो जाएगी वैल्यू ए की 200. फिर क्या कर रहा है, फिर T2 एग्जीक्यूट हो रहा है, T2 बिगिन ट्रांजेक्शन कर रहा है. अभी यहाँ पर T2 क्या कर रहा है, राइट कर रहा है. तो जो A की वैल्यू ऊपर वाली थी वही वो राइट करेगा, इक्वल्स टू 200. अभी T1 एग्जीक्यूट हो रहा है, T1 क्या कर रहा है, A की वैल्यू रीड कर रहा है. इसे हम डर्टी रीड कहते हैं. डर्टी रीड क्यों वे कहते हैं, क्योंकि T2 ने ऑलरेडी वो वैल्यू राइट की है, क्योंकि कुछ देर बाद वो रोल बैक कर रहा है, मतलब या तो अबॉर्ट कर रहा है, इसलिए ये डर्टी रीड हो गया. और इसकी वजह से ये जो बाद में सारे जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं ये इनकरेक्ट रिजल्ट्स में आ जाते हैं. तो ये सारे जो एग्जीक्यूट होंगे उसके बाद वो इनकरेक्ट रिजल्ट्स में आ जाते हैं, इसलिए इसको हम डर्टी रीड कहते हैं. क्योंकि वो क्या कर रहा है, अभी T2 ट्रांजेक्शन अगर रोल बैक कर रहा है तो उसकी, उसने जो सारे ट्रांजेक्शन्स किए, जो पहले वाले वैल्यू थी उसकी ए इक्वल्स टू 200, तो रोल बैक करने की वजह से क्या हो जाता है, ए की वैल्यू हो जाती है वापस से 100, जो कि डेटाबेस की वैल्यू है ए इक्वल्स टू 100. पर T1 क्या कर रहा है, T1 में वो एग्जीक्यूट कर रहा है आगे, इस वजह से जो 200 वैल्यू थी उसके बाद क्या कर रहा है, ए इक्वल्स टू ए माइनस 20, मतलब 200 माइनस 20 मतलब 180 आ रहा है. फिर राइट ए करेगा तो फाइनल वैल्यू ए की क्या आएगी, 180, जो कि T1 की है, और T2 की वैल्यू ए इक्वल्स टू 100 आ रही है. तो ये हो गया डर्टी रीड. आखिर हम चलते हैं लास्ट प्रॉब्लम की तरफ हमारे, जो कि है इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम. इनकंसिस्टेंट मतलब जो कि कंसिस्टेंट नहीं है, ऐसा वाला प्रॉब्लम. वन ट्रांजेक्शन इज अपडेटिंग मल्टीपल डिफरेंट वेरिएबल्स. तो एक ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स है, हम लोग बोल रहे हैं मल्टीपल डिफरेंट वेरिएबल्स. एंड अनदर ट्रांजेक्शन इज इन द प्रोसेस टू ऐड द इंस्टेंसेस टू दोज वेरिएबल्स. तो दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, उसको इंस्टेंसेस ऐड कर रहा है. और वेन ए ट्रांजेक्शन T1 रीड सेवरल वैल्यूज, अगर किसी ट्रांजेक्शन्स में अगर वो सेवरल वैल्यूज, एक से ज़्यादा वैल्यूज अगर रीड कर रहा है फ्रॉम द डेटाबेस, बट T2 ट्रांजेक्शन अपडेट सम ऑफ देम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द फर्स्ट. तो T2 क्या कर रहा है, किसी को अपडेट कर रहा है. एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इनकंसिस्टेंट एनालिसिस. तो यहाँ पर है T1 और T2. तो यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस में A की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 60 है, बी इक्वल्स टू 60, सी इक्वल्स टू 20, और सम एक वेरिएबल ले रहे, सम की वैल्यू है 0. तो बिगिन हम लोग ट्रांजेक्शन T2 पहले एग्जीक्यूट करते, बिगिन ट्रांजेक्शन T2, फिर T1. तो यहाँ पर सम इक्वल्स टू 0, जो कि हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी है. फिर वैल्यू रीड कर रहे हैं, रीड ए से क्या हो रहा है, वो वैल्यू डेटाबेस की रीड कर रहा है, जो कि है ए इक्वल्स टू 100. यहाँ पर भी T2 में भी वो रीड कर रहा है साथ में, ए इक्वल्स टू 100, तो दोनों की वैल्यू सेम है. फिर वो कर रहा है ए इक्वल्स टू ए माइनस 10, फिर उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 100 माइनस 10 इज 90. सम यहाँ पर ले रहा है सम प्लस ए, मतलब 0 प्लस 100, दैट इज ए इक्वल्स टू, सम की वैल्यू भी 100 हो गई. फिर राइट ए कर रहा है, दैट इज 90. उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो रहा है, रीड बी कर रहा है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60, रीड सी कर रहा है, सी की वैल्यू कितनी है 20. सम इक्वल्स टू सम प्लस बी, मतलब सम की वैल्यू कितनी हो गई, अभी पहले वाली थी 100, 100 प्लस बी की वैल्यू कितनी है डेटाबेस में 60, तो ये हो गया 160. सी की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 में हम लोग 10 ऐड कर रहे हैं, ऐड 10, 20 प्लस 10 दैट इज 30.
सी की वैल्यू राइट कर रहे, सी इक्वल्स टू 30, फिर कमिट हो रहा है, तो टी वन ने कमिट कर दिया। उसके बाद टी टू चालू है, टी टू में रीड सी कर रहा है, सी की वैल्यू जो की है 30, यहाँ से वो सी की वैल्यू ले रहा है टी वन से 30, और सम की वैल्यू है सम इक्वल्स टू सम प्लस सी, जो कि है 160 प्लस 30, वो हो गया 190, और फिर कमिट करेगा। ओके, तो यहाँ कैसा हो रहा है, टी वन में पहले वो एग्जीक्यूट कर रहा है माइनस 10, फिर वो एग्जीक्यूट कर रहा है प्लस 10। सम के सम में कैसा कर रहा है, सम में सम की वैल्यू ले रहा है सम प्लस ए, सम प्लस बी, सम प्लस सी। तो आखिर में क्या हो रहा है, ये इनकंसिस्टेंट में आ जाता है। कैसे, क्योंकि टी वन में क्या हो रहा है, ए की वैल्यू हो गई 90, जो कि हमारी वो फाइनल वैल्यू हो रही है, ए की वैल्यू है 90, और टी टू में ए की वैल्यू कितनी हो रही है, 100 हो रही है। यहाँ के सम की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस 60 प्लस 30, सम की वैल्यू हो रही है 190। तो टी ए की वैल्यू अगर डिफरेंट आ रही है तो दिस लीड्स टू इनकंसिस्टेंट डेटा। तो अगर हमारे समरी की तरफ, समरी में हम देखते हैं मोस्ट हाई परफॉर्मेंस ट्रांजैक्शन सिस्टम, जो हाई परफॉर्मेंस ट्रांजैक्शन सिस्टम होते हैं नीड टू रन द ट्रांजैक्शन कॉन्करेंटली, तो उसको कॉन्करेंटली साथ ही में एग्जीक्यूट होना पड़ता है, क्योंकि इट शुड मीट दी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। दस वाइल द कॉन्करेंसी कंट्रोल सच सिस्टम इज नाइदर प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट्स, अगर कॉन्करेंसी कंट्रोल ना हो तो क्या हो रहा है, करेक्ट रिजल्ट्स तो नहीं आते हैं, और डेटाबेस और नॉर मेंटेन दी डेटाबेस कंसिस्टेंसी, तो डेटाबेस की कंसिस्टेंसी भी मीट यहाँ पर नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन, आप रेफर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।